हेलो एवरीवन दिस इज मानसी वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल सो आज हम चैप्टर नंबर टू बिगिन कर रहे हैं सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं सो चैप्टर टू का हमारा नेम है पॉलीनोम अब ये पॉलीनोमियल्स का मतलब क्या होता है पॉली मीन्स होता है मैनी मैनी मतलब बहुत सारे एंड नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स तो देर फॉर पोलिनोम मेनी टर्म्स एक ऐसी आपके पास जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो अब आप सोचोगे टर्म्स क्या होता है सो so, टर्म्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ तो आप सोचोगे मैम तो आज पूरे मजे लेने के मूड में है पहले टर्म्स नया अवर्ड ले आई अब वेरिएबल्स और कोफिशंट्स ले आए सो so, अब एक एक करके इसको हम समझते हैं कि होता क्या है सो so, जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की तो उसमें एल्फाबेट्स और लेटर्स आते हैं जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ थ्री एक्स तो ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है ऐसे ही फोर ए हो सकता है या सेवन एक्स प्लस टू वाई सो ये x y a ये सब क्या है दीज आर वेरिएबल और इसमें एक चीज होती है कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है बिकॉज वेरिएबल का एक्चुअल मतलब होता है कि कुछ ये वैरी कर सकते हैं तो कहीं पे आपको होगा एक ही क्वेश्चन में x की वैल्यू वन है x की वैल्यू माइनस वन पुट करो या x की वैल्यू टू पुट करो तो मतलब इसकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं देन बात करते हैं कोफिशियंट सो कोफिशियंट क्या होता है नंबर विद वेरिएबल जैसे कि यहां पे मैंने लिया थ्री एक्स तो ये जो थ्री है ये x का कोफिशियंट है इसी तरह से फोर तो जो ये फोर है ये x का फिशियंट है सेवन एक्स सेवन कोफिशियंट है x का ठीक है है so, समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता और कोफिश क्या होता है ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमारे पास है लेट्स सपोज टू अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर तो अब इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है तो क्या कोफिशियंट होगा टू अपॉन थ्री ठीक है सो अभी हम क्या पढ़ा हमने कि टर्म होता है वेरिएबल और कोफिशियन का कॉम्बिनेशन तो देखो यहाँ पे टर्म टू एक्स ये एक टर्म है फाइव आई ये एक टर्म है सेवेंटी ये एक टर्म है और इन्हीं टर्म्स का लास्ट में था ना कि मेनी टर्म्स जब एक साथ बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं तो वो हमारा पॉलिनोम होता है जैसे कि यहाँ पे देखो ये पूरा एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे क्या है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस अब यहां पे एक एक करके मैं आपको बताती हूँ सेवन क्या है सेवन इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है सेवन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है एक्स एक्स ये दोनों क्या है ये दोनों एक्स हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है अब यहां पे अगेन ये फोर क्या है फोर इज कोफिशंट ऑफ किसका कोफिशियंट है एक्स का ठीक है ये जो हमारा थ्री है ये क्या है दिस इज दस्टेंट कॉन्स्टेंट मतलब ये सेम ही रहेगा ये बदल नहीं सकते ना अब थ्री है तो थ्री ही रहेगा जैसे ये फोर एक्स है तो एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो फोर वन जा फोर हो गया एक्स की वैल्यू टू रखोगे तो फोर टू झा ट हो गया लेकिन यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट थ्री है तो थ्री ही रहेगा लास्ट चीज ये जो एक्स तो एक्स का अगर स्क्वायर है तो ये जो ऊपर टू है इसको हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं या जैसे बोलते हैं ना एक्स टू पावर टू या फिर हम इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं ठीक है चीके? इसी तरह से ये तो एक्स स्क्वायर क्लियर दिख रहा है यहां पे खाली एक्स है तो एक्स की अगर ऊपर कोई पावर नहीं है तो दैट मीनस उसकी पावर वन हो जाएगी ठीक है समझ में आया सो so, ये सारी टर्म्स अब क्लियर हो गई कोविशन क्या होता है वेरिएबल क्या होता है एंड कॉन्स्टेंट क्या होता है ऑल्सो पावर या एक्सपोनेंट, एंड लास्ट थिंग ये पूरा सेवन एक्स स्क्वायर दिस होल इज अ टर्म ये पूरी एक टर्म है एंड थ्री ये भी एक टर्म है ठीक है और ये पूरा मिलके टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो गया ना ये पूरा मिलके ये पूरा एक पॉलीनोमियल बनाता है ठीक है तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है तो अब हम बढ़ते हैं आगे सो नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल अब हम पॉलिनॉमियल्स की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे अब पॉलिनोमियल को जब हम टाइप्स में बांटते हैं तो तीन चीजों के बेसिस पे बांटते हैं एक है टर्म्स के बेसिस पे जैसे उसमें कितनी टर्म है अगर एक टर्म है तो उस पोरिनॉमिल को क्या बोलते हैं दो टर्म्स है तो क्या बोलते हैं तीन या ऐसे सो ऑन देन वेरिएबल बेस के एक पोलिनोम में कितने वेरिएबल आ रहे हैं मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी सिमिलरली डिग्री बेस्ड अब डिग्री क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी सो so, मूविंग अहेड सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स की अगर एक टर्म है तो वो होता है मोनोमियल जैसे कि अगर मैंने लिख दिया थ्री एक्स तो ये एक ही टर्म है लेकिन ये है तो पॉलिनोमिय क्योंकि सिंगल टर्म भी काउंट होगी लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे फिर कि ये मोनोमियल है ऐसे ही 7x स्क्वायर या 5y सो so, ये सब क्या है दीज आर ऑल मोनोमियल्स ठीक है क्योंकि एक ही टर्म है सिमिलरली अगर दो टर्म्स है देन इट इज टर्म्ड एज बाइनोमियल सो फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2y सो so, ये एक बाइनॉमियल है और क्या एग्जांपल हो सकता है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर अगेन दो टर्म्स है तो इट इज अल समझ में आ रहा है थ्री टर्म्स अगर तीन टर्म्स होंगे अ ट्राइनोमियल जैसे कि अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन तो यहाँ टर्म्स कितनी है वन टू थ्री तीन टर्म्स है तो ये हो गया है ट्राइनोमियल ठीक है अब कमिंग बैक टू जो हमने एग्जांपल लिया था अब ये क्या होगा इसमें कितनी टर्म्स है सो दिस इज अ ट्राइनोमियल ठीक है चार टर्म है पांच टर्म है तो उसको सिंपली हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है ठीक है नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल की बेसिस पे सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसका क्या मतलब है इसमें टर्म से लेना देना नहीं कितनी है कितनी टर्म्स है यहाँ पे बात होगी वेरिएबल कि 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 कितने वेरिएबल आ रहे हैं जैसे कितनी बार हो रहा है? ये मैटर नहीं करता लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल है तो ये मेरा हो जाएगा पॉलिनॉमियल इन वन सिमिलरली पॉलीनॉमियल इन टू वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स में अगर है मेरे पास टू एक्स प्लस सेवन वाई सो यहाँ पे अब कितने वेरिएबल हो गए x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है सो so, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो so, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया वेरी पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स का ठीक है देन पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं थ्री ए प्लस तो यहाँ पे एक दो तीन वेरिएबल है तो ये मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया इन थ्री वेरिएबल्स ठीक है फिर से अपने उस एग्जाम्पल पे जाके आप बताओ देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये था हमारा ट्राइनोमियल अब अगर मैं वेरिएबल बेस बात करूं तो यहाँ पे एक्स ही वेरिएबल है सो तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया ठीक है नाउ नेक्स्ट है हमारा डिग्री बेस अब डिग्री क्या होता है डिग्री बेसिकली मीन्स हाइएस्ट पावर पावर तो आपको पता है क्या होता है जैसे कि अगर आपके पास है लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस फोर रेस्ट टू दावर सॉरी वाई रेस टू दी पावर फोर सो यहां पे x की पावर टू है y की पावर फोर है डिग्री क्या होगी फोर क्योंकि हाइएस्ट पावर फोर है वैसे ही कितना भी लंबा पोरिनोम हो हमें देखना है सबसे ज्यादा पावर किसकी है जिसकी हाइएस्ट पावर होगी वो उसके पॉलिनाल की डिग्री हो जाएगा सो so, डिग्री जैसे कि एग्जाम्पल x प्लस वन ठीक है अब यहाँ पे x की कोई भी डिग्री नहीं दे रखी तो क्या मतलब हुआ कि x की डिग्री वन हो गई सो so, जब भी आपके पास कोई ऐसा पॉरिनॉमियल है जिसमें डिग्री वन है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोम एक्स प्लस वन है जैसे या वाई प्लस वन है या ऐसा नहीं है कि लेना y है कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डिग्री वन है तो वो मेरा लीनियर पॉलिनोम होता है गॉट इट अब नेक्स्ट है डिग्री टू सो अगर मेरे पास है लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई अब यहां पे देखो x की पावर टू है वाई की पावर वन है सो so, यहाँ पे हाइएस्ट डिग्री क्या है टू है मतलब हाइएस्ट पावर क्या है टू मतलब इस पॉलिनोम की डिग्री टू है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं अब इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे एक्सक्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस एट ठीक है तो हाइएस्ट पावर अभी भी टू है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा सिमिलरली डिग्री थ्री अगर थ्री हाइएस्ट डिग्री है जैसे कि फोर ए क्यूब प्लस सेवन बी प्लस सी इस तरह से है तो ए इसको स्क्वायर कर देते हैं ठीक है ए का क्यूब बी का स्क्वायर और सी का वन है पावर हाइएस्ट पावर क्या है थ्री मतलब डिग्री थ्री हो गया तो ये जो है दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोम सो तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया ठीक है समझ में आया इसी तरह से डिग्री जीरो है अब देखो किसी भी नंबर की चाहे किसी वेरिएबल की अगर डिग्री जीरो है तो इक्वल होता है की, है ना चाहे कोई नंबर ही क्यों ना हो सेवन की अगर पावर जीरो है तो वो हमारा वन होता है सो देर फोर जहां पर डिग्री जीरो होगी तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ठीक है समझ में आ गया अगर डिग्री वन है लीनियर पॉलिनोम डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोम डिग्री थ्री है तो क्यूबिक और अगर डिग्री जीरो है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोम हो गया फिर से अपने एग्जांपल पे चलते हैं अब यहाँ पे बताओ हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा पॉलिनोम है हमारी डिग्री के हिसाब से तो यहाँ पे डिग्री क्या है x की वैल्यू मतलब x की पावर टू और x की पावर वन तो डिग्री क्या हो गया डिग्री हो गई मेरी और अगर डिग्री टू है तो ये पूरा हो so, so, हो गया, types of polynomial. अब आते हैं next topic पे हमारा so, है वैल्यू ऑफ अमियल अब एक पॉलिनोम आपको वैल्यू निकालने को आ जाता है तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करते है? देखो हमारे पोलिनोम में अगर कोई वेरिएबल है मतलब एक्स है वाई है जेड है ए है बी है सी है, कोई भी लेटर है उसकी कोई वैल्यू गिवन है जैसे यहाँ पे गिवन है एक्स इक्वल टू टू तो मुझे यहाँ पे बता दिया कि के इक्वल है अब यहां से मैं क्या करूंगी एक तो ये देखो ये जो पी एक्स ये बेसिकली पॉलिनोम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ठीक है तो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स तो अगर क्वेश्चन मेरे पास आ गया फाइन दैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस जिसमें की एक्स की वैल्यू टू है तो सिंपली क्या करना है जहां पे भी आपको ये एक्स दिख रहा है वहां पे आप टू पुट कर दोगे सो so, पॉलिनोम में हम एक्स की वैल्यू अच्छा इसको हम लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू हम टू पुट कर रहे हैं सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर प्लस टू एक्स मतलब टू X की जगह फिर से टू प्लस सिक्स समझ में आया सो so, ये मेरा हो गया टू का स्क्वायर होता है प्लस एट प्लस सिक्स नाउ एट प्लस सिक्स इज एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थी फोर्टीन So, यहां पे मेरी इस पॉलिनोम की वैल्यू क्या आ गई फोर्टीन आ गई कब जब x इक्वल्स टू टू है ठीक है समझ में आया तो इस तरह से अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी तो आप पॉलिनोम की वैल्यू निकाल सकते हो समझ में आया नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जीरोज ऑफ अ पॉलिनोम अब एक पॉलिनोम के जीरोज क्या होते हैं पहली बात तो ये जीरो ये नहीं समझना कि किसी पॉलिनामर जीरो की बात हो रही है ठीक है जीरो से रिलेटेड है बट सिर्फ जीरो नहीं है ये। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है उसका जीरो होगा इज अंबर ए सच दैट पी एक्स सॉरी पी ए इक्वल्स टू जीरो अब यहाँ पे देखो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कोई भी पॉलिनॉर्मियल दे रखा है जैसे पी एक्स इक्वल्स टू है यही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अब मैं यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी वैल्यू टू पुट करी और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जीरो आ गया फिर से समझते हैं अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू दिस अब x की मैंने कोई ऐसी वैल्यू पुट करी कि देन उस पॉलिनोम की वैल्यू जीरो आ गई तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू पुट करी है जो यहां पे नंबर है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया समझ में आया मतलब सिंपली किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल आपने कुछ ऐसा पुट किया जिससे पॉलिनोम की वैल्यू जीरो हो गई तो वो जो वैल्यू आपने पुट करी है वो हमारी पॉलिनोमियल का जीरो होगा ठीक है समझ में आया सुनाओ so इसको तो रब कर देते हैं आप देखो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है x आपको चेक करना है क्या एक्स की वैल्यू टू जो है वो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका जीरो होगी या नहीं तो कैसे पता चलेगा अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू रख के आंसर जीरो आता है तो x इक्वल टू टू पोलिनोम का जीरो है ठीक है सो यहाँ पे हमें क्या करना है x की वैल्यू रखनी है पुट करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर मतलब का की जगह टू सो ये हो गया फोर का स्क्वायर सॉरी टू का स्क्वायर फोर माइनस टू इंटू टू फोर ना फोर माइनस फोर जीरो तो मेरे पास एक्स टू रखने पे आंसर जीरो आया है सो दैट मीन एक्स इक्वल टू टूरोम नीड नॉट टू बी जीरो अब ये कंफ्यूजन हो सकती है कि जी कोई भी पॉलिनॉर्मियल गिवन हो अगर हम उसकी जीरो वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो तो सबका होगा ही जीरो वैल्यू रखेंगे तो जीरो ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है क्यों नहीं है जरूरी देखो जरा इसी को अगर मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा कर दू कि ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर है मेरे पास अब रखो जरा एक्स की वैल्यू जीरो जीरो का स्क्वायर करो माइनस टू जीरो प्लस फोर तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस टू इंटू जीरो जीरो प्लस फोर तो मेरे पास क्या बचा फोर बच गया तो मतलब जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है सो so, समझ में आया यही वो बोल रहे कि कि समझ में आया? कि किसी भी के हम जीरो की बात करें तो ऐसा नहीं है जीरो तो होगा देन जीरो में बी ऑफ अ पॉलिनॉमल मतलब कुछ केसेस में ये हो भी सकता है जैसे अगर मैं सिर्फ यही पॉलिनॉमल लेती, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जीरो का स्क्वायर करते माइनस टू इंटू अगेन एक्स की जगह जीरो रखते हैं सो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाता तो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा ठीक है सो इट मे बी so, हो सकता है हो बट ये नेसेसरी नहीं है कि पक्का ही होगा ठीक है दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए नेक्स्ट है एवरी लीनियर पॉलिनोम हैज वन एंड ओनली वन जीरो कोई भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब जैसे एक्स प्लस वाई है वाई प्लस सेवन है लीनियर मतलब जिसकी डिग्री वन हो तो ऐसे केसेस में सिर्फ एक ही जीरो होगा मतलब एक्स की कोई एक ही वैल्यू हो सकती है जो उसका जीरो होगा या वाई की कोई एक ही वैल्यू हो सकती है जो इसका जीरो होगा गॉट इट नेक्स्ट है अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो और कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसके मोर देन वन जीरो हो सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि हर पॉलिम जैसे यहाँ पे लीनियर में तो हमने देख लिया कि इज ओनली वन जीरो लेकिन अगर वैसे हम की बात करें तो एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं मतलब x अलग अलग वैल्यूज जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा x की वैल्यू जब हमने जीरो रखी तब भी आंसर जीरो आया x की वैल्यू जब हमने टू रखी तब भी आंसर जीरो आया मतलब इस पॉलिनॉर्मियल के एक से ज्यादा जीरोस पॉसिबल है ठीक है समझ में आया थोड़ा सा बस ये जीरो वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि समझ नहीं आता नंबर जीरो की बात हो रही है या ऑफ की बात हो रही है अदरवाइज सिंपल है जब करेंगे तो वैसे ही समझ आ जाएगा सो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिमाइंडर थ्योरम अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है देखो जब से हम बचपन से भी अगर जो डिवीजन करते हुए आते हैं तो वहां पे हमें पता है डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की जैसे कि अगर ये देख के आपको लग रहा है कि हमें तो यही नहीं पता भाई डिविडेंट डिवाइजर क्या बोल दिया मैम ने सो so, देखो अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं टू को मैंने डिवाइड किया लेट सपोज ट्वेंटी टू से सिंपल बता रही हूँ मैं पॉलिनोमियल में नहीं जा रही सिंपल बेसिक डिवीजन का बता रही हूँ सो टू इंटू इज टू ये आ गया जी टू अगेन टू इंटू इज टू सो ये आ गया जीरो ठीक है अब यहाँ पे ये जो मेरा ट्वेंटी टू है दिस इज दिवीडेंट इसको हम बोलते हैं डिविडेंट किया जा रहा है सो so वो होता है डिवाइजर क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है दैट इज दी क्वेश्चन एंड रिमेन्डर जो नीचे बचता है जैसे यहाँ पे तो जीरो बचा वैसे कभी कभी नंबर भी कोई बच सकता है तो वो हमारा रिमेंडर होता है अब यहाँ पे इसके यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज के साथ देख लो डिविडेंड जो होगा जैसे ट्वेंटी टू जो होगा वो डिवाइजर इंटू क्वोशन प्लस रिमेन्डर होगा तो देख लो टू इंटू इलेवन इलेवन टू से ट्वेंटी टू प्लस जीरो ट्वेंटी टू ठीक है ना सो दैट मीन्स ये जो हमारा है ये सिंपल डिवीजन में वर्क करता है इसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम में जब हम पॉलिनामियल की बात करते हैं तब भी ये होता है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल होगा जी एक्स क्या होता है ये भी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आएगा जी एक्स बेसिकली होता है डिवाइजर जैसे कि अगर डिवाइड कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फोर से एग्जाम्पल रैंडम सा ले रही हूं मैं ये तो ये जो x प्लस वन है ये जी एक्स है एंड ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये पी एक्स होगा जो भी इसका क्वेश्चन आएगा वो क्यू एक्स होगा जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो आर एक्स होगा मतलब इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और सेम चीज है कि जो पी एक्स होगा वो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा समझ में आया मूविंग अहेड अब हम आ जाते हैं डिवीजन पे कि अगर आपको डिवीज़न करनी है तो यहाँ पे पॉलिनोमियल देखो जरा एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी एक्स है मतलब इससे डिवाइड करना है वन प्लस एक्स सो so, इस केस में पहले तो इसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लिया हमने देन प्लस एक्स माइनस वन इसको भी एक्स प्लस वन कर लिया अभी मैं आपको यहां पे डिवीजन करके दिखाती हूँ एक्स प्लस वन को डिवाइड करना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन से अब डिवाइड कैसे करते हैं हमें पहली चीज देखनी है ये है एक्स और यहाँ पे है थ्री तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए देखो पहले तो एक्स को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी तो थ्री एक्स आ गया लेकिन थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक और x लिख दो अब x इंटू थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब x को 3x से मल्टीप्लाई करो तो x को 3x से मल्टीप्लाई किया इसको रब कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया vx स्क्वायर अब यहां पे है +1 ये भी इसी से मल्टीप्लाई होगा इसके लिए नहीं है कि आप आगे देखोगे ये जो अब यहाँ पे एक ले लिया दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है इसको कर दिया अब 1 को 3x से करेंगे तो 3x आएगा आल्सो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो ये प्लस +3x हो गया नेक्स्ट जैसे डिवीजन में करते हैं क्या करते हैं हम नॉर्मल जब डिवीजन करते हैं अभी जो मैंने पीछा आपको करके भी दिखाया तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं ना टू में से टू माइनस इसी तरह से ये भी माइनस करने तो माइनस करने के लिए ये लिखा माइनस साइन चेंज होंगे ये प्लस है ये भी माइनस हो गया अब ये तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल इसी तरह से प्लस माइनस माइनस सेम तो नहीं है कैंसिल तो नहीं हो सकते सो so थ्री में से वन गया टू एक्स और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 3X, उसके साथ माइनस का साइन है तो ये हो गया माइनस टू एक्स आगे का जो भी है उसे नीचे उतार लेंगे जैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना डिवीजन में वही चीज करनी है अब एक्स को माइनस टू एक्स बनाना है मुझे तो कैसे बनाएंगे एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास माइनस टू एक्स आ जाए एक्स तो ऑलरेडी है अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दू तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस टू से क्योंकि माइनस भी चाहिए तो माइनस टू एक्स आ जाएगा सो, अब यहां पे इसको माइनस टू से क्या तो एक्स को माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू एक्स आ गया और वन को माइनस टू से करोगे तो माइनस टू आ गया नाउ अब यहाँ पे फिर से साइन चेंज होगी माइनस का है प्लस हो जाएगा ये भी माइनस का है प्लस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस टू एक्स में से टू एक्स कैंसिल ही हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस टू में से वन माइनस करो वन आया प्लस का क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है सो so, अब ये जो है ये आया मेरा क्यू एक्स और ये आया मेरा आर एक्स ठीक है ना क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये कोशियंट है ठीक है तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं बट हियर जब भी आपके पास जो डिवाइड यहाँ पे होगा ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियर है सो so, इस केस में हम एक और तरीका भी कर सकते हैं जो सिंपल है मान लो जी क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है मैंने लिखा है दिस कैन ऑल्सो भी डन एस यहाँ पे अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके पास आता कि रिमाइंडर फाइंड करो और अब रिमाइंडर फाइंड करना है और एक नंबर का क्वेश्चन है अब एक नंबर के क्वेश्चन में अब इतनी लॉन्ग डिवीजन करने की तो जरूरत ही नहीं है हमें तो हम क्या करते हैं जैसे हमें गिवन है x प्लस वन को आपको डिवाइड करना है इससे अब यहां से मैं x की निकालूंगी वैल्यू कैसे निकालेंगे जो भी हमें गिवन है उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे सो ये हो जाएगा x यहाँ से आ जाएगा यहाँ प्लस वन इधर जा जाके माइनस वन हो गया तो x मेरा आ गया माइनस वन ठीक है सो अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड दी रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस और क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर का है तो सिंपली एक्स की निकालो वैल्यू और यहाँ पे देखो जरा वैल्यू पुट करते हैं सो so की जगह माइनस वन ही है सो so ये हो गया थ्री अब माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन इंटू वन वन माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया वन एंड देन माइनस वन माइनस वन ठीक है थ्री टू वन थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस वन को प्लस कर लेते हैं minus, minus, plus होगा, तो ये और का, so, अब आप देखो ये कितने सिंपल वे में मैंने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करके दे दिया कि रिमाइंडर वन आएगा यही हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से किया था कि रिमाइंडर वन आ गया ठीक है अब कंसेप्ट समझ आ गया एक और एग्जांपल ले, ले लेते हैं What is the remainder if a raised to the power four plus a raised to the power three minus two a square plus a plus one is divided by a minus one? अभी इस पूरे पॉलिनामियल को a minus one से डिवाइड करने को कह रहे हैं हमें निकालना है रिमेन्डर और क्वेश्चन ज्यादा बड़े मार्क्स का नहीं है तो पूरी लॉन्ग डिविजन करने की जरूरत नहीं है a माइनस वन इक्वल रखा जीरो के तो a मेरा हो गया वन है ना माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा तो मेरे पास आ गई ए की वैल्यू सिंपली इस पॉलिनोम में मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगी सो so, ये ए रेस टू पावर फोर मतलब वन रेस टू पावर फोर प्लस ए रेस टू पावर थ्री मतलब वन रेस टू पावर थ्री माइनस टू ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस ए मतलब वन और साथ में प्लस वन सो वन का फोर टाइम्स करना है सो so, देखो जरा वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन कितनी मल्टीप्लाई कर लो वो वन ही रहेगा ये आ माइनस टू वन का स्क्वायर वन ही रहेगा प्लस वन प्लस वन ओके सो ये आ गया वन प्लस वन टू माइनस टू वन जू अगेन प्लस 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 सी वन प्लस वन टू अभी ये टू माइनस टू तो कैंसिल हो गए टू में से टू माइनस के जीरो हो गया मतलब तो क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर टू बचा तो इस केस में हमारा रिमाइंडर फाइंड करना था तो दैट इज इक्वल टू टू समझ में आया सो नाउ वील मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस पार्ट अब इसके आगे की जो भी टॉपिक्स है हम लोग पार्ट टू में करें क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी तो मैंने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसके आगे के टॉपिक्स विल डिस्कस इन पार्ट नंबर टू आल्सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय